ट्राइकोग्रामा कार्ड बनाने के लिए कोरसायरा के अंडों की आवश्यकता होती है। इसके लिए लकड़ी के डिब्बों में 2.5 किलो ज्वार, 100 ग्राम मूंगफली का चूरा, 2.5 ml फॉर्मेलिन, 100 ग्राम यीस्ट पाउडर और 0.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिलाकर 0.25 cc कोरसायरा को डाल देते हैं। 40 दिन बाद इन डिब्बों से कीटों को पकड़कर एक कीप में डाल देते हैं और अंडे इकट्ठे कर लिए जाते हैं। ट्राइको कार्ड तैयार करने के लिए 1 cc यानी लगभग 20,000 कोरसायरा के अंडे लेते हैं। इन अंडों को गोंद की सहायता से एक कार्ड पर चिपका देते हैं। यूवी लाइट की मदद से इन अंडों के एम्ब्रियो को नष्ट कर देते हैं और इसके बाद इन कार्डों को एक मास्टर कार्ड के साथ प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर कपड़े से कवर कर देते हैं। इसके 4-5 दिन बाद मास्टर कार्ड से निकलकर ट्राइकोग्रामा कीट इन अंडों में अपने अंडे दे देता है। इस तरह ट्राइको कार्ड तैयार कर लिए जाते हैं। ट्राइकोग्रामा कार्ड का उपयोग कर मक्का, धान, गन्ना, कपास, टमाटर और बैंगन में लगने वाले लेपिडोप्टेरा समूह के कीटों का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। प्रत्येक कार्ड पर लगभग 20,000 परपोषी अंडे होते हैं। कार्ड पर इन परजीवियों के निकलने की संभावित तिथि अंकित होती है। कार्ड की स्ट्रिप को इस पर अंकित तिथि से एक दिन पूर्व फसल की पत्तियों की निचली सतह पर बांध देना चाहिए। खेत में परजीवियों का समान रूप से विचरण हो, इसके लिए ट्राइकोग्रामा कार्ड की पहली स्ट्रिप खेत की मेड़ से 5 मीटर की दूरी पर और इसके बाद 10-10 मीटर की दूरी पर बांध दें। इस कार्ड को 7 दिन के अंतराल पर 6 सप्ताह तक अपने खेत में लगाएं। कार्ड हमेशा शाम के समय लगानी चाहिए और ध्यान रहे कि इन पर सीधे सूर्य का प्रकाश न पड़े। इनसे निकलने वाले ट्राइकोग्रामा कीट फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के अंडों को नष्ट कर देते हैं और फसल को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। टमाटर, बैंगन, धान और गन्ना की फसल में 2.5 कार्ड प्रति हेक्टेयर, मक्का की फसल में 3.5 कार्ड प्रति हेक्टेयर और कपास की फसल में 7.5 कार्ड प्रति हेक्टेयर जरूरत होती है।